एंड गाइस ये लोग आ चुके हैं आज करने वरुआ खा के ता मैं भी खाऊंगा। मेरी भी आधी आधी है, मेरी भी आधी आधी है। मैं भी ताऊजी ने फोटो ले ली जैसे मैं आया है, जैसे मैंने एंटर नहीं करने वाला था ताऊजी मैं बाहर जाके कोडिंग ले ली। ताऊजी ने कोडिंग ले ली। हां गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। अभी सैंडी बैठी हुई है आराम से। सैंडी चले घूमने करने, चले चलो चलो सनी बाय 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 अच्छा जाओ ऐसे लेके आना, लाओ सैंडी गिव गिव लीव। सुबह इस पापा की पूजा स्टार्ट हो चुकी है एंड देवी जी की पूजा पूरी होने वाली है बस। बाकी अब मैं भी नहा रहा हूँ जल्दी जल्दी और फिर मैं भी जल्दी आके पूजा करता हूँ। तो गाइज ये है मेरा, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा वैसे आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि एक तो सब खाली खाली है और ऊपर से ग्रेन भी आ रहे होंगे बहुत सारे। लेकिन इस रूम को मैं जो कि सेपरेट ऐसे पड़ा हुआ है अभी मैं इसकी बस सफाई कर रहा था ताकि मैं सोचा था अपना पूरा स्टूडियो यहीं पे सेटअप कर लूँ और धीरे धीरे जो भी मैं इक्विपमेंट सारे इकट्ठे कर रहा हूँ वो सब इसी जगह पर यूज़ करूँ। और मम्मी करवा रही हैं बैठ के सारा काम कि यहाँ पे सफाई करो वो सफाई करो। तो वैसे तो ये मेरे घर का रेंटल एरिया है लेकिन जब तक कोई रेंटल्स नहीं आ रहे तो मैंने सोचा कि अपना जो भी चीज़ें धीरे धीरे खरीद रहा हूँ मैं, ट्राईपॉड और रिंग लाइट ये सब चीज़ें यहीं पे सेटअप करते रहूँ अपनी इंस्टाग्राम रील्स के लिए और भी चीज़ों के लिए। और ये सैंडी आ गई। अब क्या हुआ, क्या हो गया बिट्टू? हाँ हाँ, अरे तुम मेरा कैमरा हमेशा मेरे कैमरे पे वो करती है। जाओ मम्मी पास जाओ। एंड गाइस आपको पीछे का भी दिखाता हूँ, ये तो हमारी वॉशिंग मशीन रखी है, बाकी इधर सब पूरा खाली खाली पड़ा है। अब जब तक रेंटल्स नहीं आ रहे तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना सारा सेटअप यहीं पे कर लूँ, अपनी इस अलमीरा में सारी अपनी बुक्स और जो मेरी टेबल है वो भी सब यहीं पर लगा दूँ। देखते हैं, वही कर रहा हूँ। उस टाइम तो मैं नहाने जाता तभी मैंने सोचा चलो पहले ये काम निपटाते हैं। मम्मी बोली अपना स्टूडियो इस वाले रूम में ही कर दो। थैंक यू मम्मी, अपना रेंटल एरिया मेरे को देने के लिए फ्री में। बाकी जब कोई रेंटल्स वगैरह या कोई भी आता है यहाँ पे तो फिर हमें लीव करना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ हमारा चैनल अच्छे से ग्रो कर गया तो ये बेशक मैं कह सकता हूँ कि इसी रूम में मैं अपना पूरा स्टूडियो सेटअप करने वाला हूँ अब। और हमारे चैनल ने 1500 व्यूज प्लस भी क्रॉस कर लिया और 100 भी होने वाले हैं, कुछ ऐसी 92-93 सब्सक्राइबर हैं अभी हमारे, जल्दी 100 भी क्रॉस होंगे फिर आगे भी बढ़ना है आगे। सो गाइज ये टेबल और ये पूरा माइक अभी हम लोग को डिसेंबल करके ये सारा सामान वहाँ पहुँचाना है, बाकी बुक्स और ये सारी जो मेरे पढ़ाई के हैं ये सब भी मुझे उधर ही रखने हैं। बाकी इस वार्डरोब को ही मैं खाली करूँगा। मैंने अपना प्लान बनाया था ऐसा कि मैं इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, 3 बार कर चुका हूँ लेकिन आज तक मुझसे ये फॉलो नहीं हुआ, पढ़ता ही नहीं जाता। अरे कोई माइक ना गिर रहा है, इतना मुश्किल मुश्किल बहुत भारी है। सो गाइस मैं नहा लिया था अभी
और थोड़ा सा प्लान में चेंज है अभी। वैसे तो मैं 3 बजे कोचिंग जाता हूँ और अभी कोचिंग की छुट्टी हो गई, इसलिए मैं अभी पता चला, कॉल आया था चाची का कि ओमी के घर, ओमी जिससे आप मिले थे उसके घर हवन है अभी, तो वहीं जा रहा हूँ मैं जल्दी से तैयार होके। मिलते हैं आपसे वहीं पे, अभी पापा आ रहे हैं मेरे को लेने, उनके साथ जाता हूँ मैं वहीं पे। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लिफ्ट में, मतलब ओमी के फ्लैट पे पहुँचने वाले हैं। ये फूल ले लिए थे मैंने, हवन वहाँ पे हो रहा है तो चाची ने फूल मंगाए थे। खोलो भाई। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सो गाइज अभी मैं और ओमी जा रहे हैं नीचे और आपको ओमी के सारे पूरे फ्लैट का टूर देते हैं एक ब्रीफली, मतलब ब्रीफली क्या। आ जाओ चले अंदर। आप कौन? ये टूथपिक से हमें करना पड़ता है कुछ, कोरोना के इंस्ट्रक्शन है ये कि यहाँ पे ऐसे टच नहीं करना, सीधे पिक उठाओ और इसे पिन कर दो बस। भाई क्या कहेंगे लोग? अरे यार चलो अब चलो, कोई नहीं सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, पूछेंगे हम जाएंगे यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर दो हमारा, कुछ नहीं आएंगे। सो गाइस ये ओमी के यहाँ की पूरे बिल्डिंग थी, यहाँ पे सारी यहाँ बाइक्स पार्क होती हैं और यहाँ पे कार पार्क होती हैं। नीचे बेसमेंट है। नीचे बेसमेंट है इसके? अरे हाँ अपने लोग गए थे हाँ, नीचे थार नीचे देखने। बेसमेंट है हाँ। ये स्विमिंग पूल है जो कि अभी कोविड के चक्कर में बंद चल रहा है, एंड उधर साइड में जिम है ना पीछे बिल्कुल एंड में। फुटबॉल खेलते हो तुम लोग यहाँ पे? कुछ भी खेल, कुछ भी जो मन करे। और अंदर जिम है, अंदर जिम है अभी, ये पूरा स्विमिंग पूल अभी खाली पड़ा है एक ही चीज के चक्कर में, वो है कोरोना, क्योंकि हाँ अभी इसके बिल्डिंग की भी पूरी रेनोवेशन चल रही है। नहीं ऐसे ऐसे क्या कर रही है? बस ऐसे ही काट देना ही नहीं। गाइस ये है ओमी की पूरी बिल्डिंग, मतलब ये भी है इससे आगे भी एक है, दो बिल्डिंग है ना टोटल मिला के, पूरी दो बिल्डिंग्स है और आप पीछे हमारे देख ही सकते हैं यहाँ से पूरी ऊपर तक। ये फर्स्ट फेज है, ये फर्स्ट फेज है, उसके बाद दूसरा, आगे हमारे पिज्जा हट भी है, GWP भी है। ओमी यार तूने इस बार बर्थडे की पार्टी नहीं दी यार, ले लेना यार। अभी आपको टेरेस पे भी लेके चलते हैं, वहाँ से जो बरेली का सीन है बिल्कुल अलग ही लेवल पे दिखता है। मैं तो जब फर्स्ट टाइम गया था मैं तो कह रहा भाई आधे घंटे में ऊपर ही आते, तुम लोग नीचे आ गए थे और मैं ऊपर से ही मजे ले रहा था, बाकी यहाँ सब सिटिंग एरिया वगैरह भी है, लोग काफ़ी ज़्यादा लोग शाम को आराम से यहीं बैठते हैं फील करते हैं, सब सोसाइटी वाले इकट्ठे होते हैं। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं टेरेस पे ऊपर। हाँ ओह आपका कैमरा हिल रहा है भाई? हाँ भाई वो सही से पूरा कंट्रोल करना पड़े। अब हम लोग जा रहे हैं सबसे टेरेस पे ऊपर और ये हम लोगों ने प्रेस कर दिया 10th फ्लोर, टोटल 10th फ्लोर है। हाँ 10th फ्लोर है। मजे आएंगे, मजे आएंगे, थोड़ा तेज बोल रहे, मजे आएंगे। देखिए इससे क्या था मजा यार, तो और कैसे करूंगा भाई, काट देना ये नहीं। टेरेस पे पहुंच चुके हैं, ओ भाई क्या सीन है यार, ये पूरी बरेली स्टेडियम, उधर स्टेडियम है, अपने लोग उधर नहीं जा सकते ना? जा सकते हैं, चलेंगे अभी। तो गाइज आपको जितना भी मेरे पीछे का, अच्छा पीछे का तो देख ही नहीं रहा होगा क्योंकि हम लोग फोकस में बाकी पीछे ब्लर है। सो गाइज आपको जितना भी पीछे का दिख रहा है वो पूरा हमारा बरेली, और यहाँ से क्या बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास सीन आ रहा है भाई। अरे भाई ये पूरी बरेली यहाँ से देख सकती है भाई।
ऊपर से वो देख जो शेड आ रहा है स्काई का, नीचे फिर डार्क होता जा रहा है, ऊपर ब्लू 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 वीडियो में। मतलब गाइस मैं आपको जस्टिस नहीं कर सकता कि कितना बढ़िया सीन आ रहा है नीचे, और नीचे ये फ्लैट के और वो स्विमिंग पूल जहाँ पे हम लोग अभी थे वहाँ उधर साइड कुछ बच्चे खेल रहे हैं कॉलोनी में। कुछ जुड़ी है कॉलोनी में। एंड गाइस वो रोड चल रही है मेन, इधर से जाती है सीधे ये संजय नगर है, वो स्कूल है भाई। तू तो मतलब पूरा का पूरा उधर से लेके ऐसे देखो जहाँ तक नजर पहुंचे सब शहर ही बसा हुआ है। नहीं वो संजय नगर, ये पूरा एरिया संजय नगर है, ये पूरा एरिया संजय नगर है। अब पीछे जो अपना वो असली मुझे तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो रहता ही नहीं हूँ बरेली में। तो यार आपने बताया तो मैंने बता दिया आपके। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? पहुंच चुके हैं उस टेरेस से भी ऊपर वाले एरिया पे, ये टैंक एरिया, ये टैंक एरिया। यहाँ पे पूरा जो पूरी बिल्डिंग का वाटर सप्लाई है वो इस वाली बिल्डिंग के अंदर से जाता है। और ये भाई अपना बरेली, आपने पीछे देख लिया और पूरी लोकेशन आपने देख ली, तो ऐसी लोकेशन हम आपको दिखाते रहेंगे और एंटरटेन करते रहेंगे हर बार हमारी हर नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं नीचे, नहीं पहले उधर चलते हैं, उस साइड चलते हैं। हाँ। फिर स्टेडियम दिखाते हैं बरेली का, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टेडियम है, हम लोग छोटे पे बहुत गए हैं। काफी सर्कल मतलब बना हुआ है ये, तो अभी भी जाता है। हाँ, मैं तो जाता हूँ लॉन टेनिस, टाइकोंडो और लॉन टेनिस खेलने ना। टाइकोंडो अच्छा सॉरी, जिमनास्टिक और लॉन टेनिस सीखने जाता था ना तू? मजे ही है गाइस अलग। यहाँ मुझे तो लग रहा है यहीं पे अपना ऊपर टेरेस पे घर बना लो और उसके बाद मजे लो पूरी जिंदगी के यहाँ पे। बिल्डिंग सो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं सेकंड फेज ऑफ बिल्डिंग पे, जो कि आपको ये और उधर चल रहा है पूरा क्रिकेट मैच, वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। अब बच्चे हैं या बड़े वो पता नहीं मेरे को। ये क्रिकेट स्टेडियम है, उधर लॉन टेनिस खेला जा रहा है वहाँ पे, और वो स्विमिंग पूल है। बाकी ये हमारी जा रही है बरेली की मेन रोड, मेन रोड दिस इज द मेन रोड, और ये हमारे फर्स्ट फेज है। और इसी के यही नीचे हमारे पिज़्ज़ा हट है, वो देखो बाइक खड़ी है, बाइक खड़ी है पिज़्ज़ा हट की। वो ये एंड गाइस उधर अंदर बैडमिंटन कोर्ट है, वो इंडोर है पूरा, मतलब सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी हमारे स्टेडियम में अवेलेबल है। स्टेडियम और होता किस बात का, वैसे तो कुछ जगह छोटे मोटे होते लेकिन हमारे बरेली में भी काफ़ी अच्छा है। अब मिलते हैं गाइस आपसे सीधे नीचे। वहाँ पे हवन भी हो गया था, सारा काम हो गया था, खूब मस्ती वगैरह करी हम लोगों ने। एंड नज़ारा आपने देखा ही, उसके टॉप फ्लोर से बिल्कुल टेरेस से कैसा सीन आ रहा था, मतलब मैं तो देख के ही मज़ा सा आ गया था। सारा रिकॉर्ड वगैरह करा वहाँ, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स जो आपने अभी इंजॉय करे। एंड गाइस स्टूडियो भी मैं अब अपना धीरे धीरे पूरा सेटअप कर रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे सेटअप करता रहूँगा वो आपको पता चलता रहेगा। सो आई होप गाइस आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। एक और बात, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, अभी सिर्फ 91 है, जल्दी जल्दी बस 1000 हो, उसके बाद फिर आगे भी बढ़ना है हम लोगों को। तो जल्दी से सब्सक्राइबर कराओ और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से मेरे को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।